हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, आज हम बंगाली स्टाइल चिकन करी बनाने वाले हैं, जिसमें आलू भी होगा और कैप्सिकम भी होगा। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। बंगाली स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए 2 कटा हुआ आलू, 1 कटा हुआ टमाटर, 500 ग्राम चिकन, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 मिर्चा कटा हुआ, 3 प्याज कटा हुआ, 2 कैप्सिकम कटा हुआ और कटा हुआ हरा धनिया लिया है। मसालों में 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें आधा कटोरी सरसों का तेल डालेंगे। आप सरसों के तेल के जगह पे रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से चिकन बनाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तेल के गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा डालेंगे। फिर इसमें कटा हुआ मिर्चा और प्याज डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। फिर इसमें कटे हुए कैप्सिकम डालकर मिक्स करेंगे और थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। ढक्कन खोलकर थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। जब प्याज और कैप्सिकम फ्राई हो जाए, तब चिकन डालकर मिक्स करेंगे और थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। फिर ढक्कन हटाकर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर कटे हुए आलू डालकर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर मिक्स करके फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसे भी ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। ढक्कन हटाकर इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर कटा हुआ टमाटर डालकर मिक्स करेंगे और इन्हें भी थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। फिर ढक्कन हटाकर थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। जब सब अच्छे से फ्राई हो जाए, तब इसमें सारे मसाले डालकर मिक्स करेंगे और इन्हें भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें 1 गिलास पानी डालकर मिक्स करेंगे और इन्हें उबलने के लिए छोड़ देंगे। पानी उबलना स्टार्ट हो गया है, तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप अपने हिसाब से उतनी ग्रेवी रखें।
चिकन तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बटर डालकर मिक्स करेंगे। आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में कटा हुआ धनिया डालकर मिक्स करेंगे। हमारा चिकन करी तैयार है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे। सो लीजिए गाइस, हमारा गर्मा गर्म बंगाली स्टाइल चिकन करी तैयार है। अब मैं इसे आपको सामने से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यह कितना टेस्टी एंड माउथ वाटरिंग लग रहा है। आप इसे पराठा, रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। सो गाइस, आप भी इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।